हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज सिपा सरोज। तो फ्रेंड्स, फाइनली इतना इंतजार करने के बाद ये वैकेंसी जो है एनसीएल के द्वारा जारी कर दी गई है। अच्छा, तो किस चीज की है ये तो आप देख ही लिए होगी, थंबनेल में पता चल ही गया होगा, फिर भी बता दूं कि माइनिंग सरदार, ठीक है, और सर्वेयर टीएनएस ग्रेड का जो आपका फॉर्म है ये आ गया है। एनसीएल जो है रिक्रूटमेंट जारी कर दी है। अब जरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो कब आया है, 27/11/2022 को आया है। आज 28 तारीख है, एक दिन बाद मैं आप लोग बता रही हूँ। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, इसलिए जो है आपको कल ही मतलब अपडेट नहीं दे पाई, आज दे रही हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, क्योंकि आप लोग का ऑर्डर कहीं से आपको मिल ही गया होगा इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई वैकेंसी आ गई है। अब जरा इसके बाद देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। एनसीएल इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल पोजिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट इन द पोजीशन ऑफ माइनिंग सरदार टीएनएस ग्रेड सी, सर्वेयर माइनिंग एंड टीएनएस ग्रेड बी। फॉर, तो याद रखिएगा सर्वेयर जो है ये कौन सा ग्रेड बी है और माइनिंग सरदार जो है ग्रेड सी है। फॉर रेगुलर डिप्लॉयमेंट अक्रॉस डिफरेंट माइन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनसीएल इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखो यहाँ पे पोजीशन कितने दी गई है, वैकेंसी कितनी है, ये हम देखेंगे। तो पहले तो बात ये है कि माइनिंग सरदार और सर्वेयर, यही दो पोस्ट है जिसके रिगार्डिंग आपको चयनित किया जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे देखो टोटल वैकेंसी यहाँ पे लिखा है अनरिजर्व। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 149 सीट है और सर्वेयर के लिए 14 सीट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनके लिए 36 सीट है और सर्वेयर के लिए 3 सीट्स है। एससी के लिए 55 सीट्स है और सर्वेयर के लिए 4 सीट्स है। एसटी के लिए, यानी कि ये वाला जो मैं बोल रही हूँ माइनिंग सरदार का, यहाँ पे सर्वेयर का है, तो माइनिंग सरदार के लिए 79 सीट्स है, एसटी के लिए 80 से ज्यादा सीट है और सर्वेयर के लिए 6 सीट है। ओबीसी लोगों के लिए है 55 सीट और सर्वेयर के लिए 4 सीट है। टोटल की अगर हम बात करें तो माइनिंग सरदार में 374, ठीक है, 374 सीट्स है माइनिंग सरदार के लिए और सर्वेयर के लिए 31 सीट, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो टोटल सीट है, अगर हम देखें माइनिंग सरदार और सर्वेयर को मिला के, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 405 सीट हो जाएगा। कितना, 405 सीट जो है आई है एनसीएल के द्वारा। आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ कि ये सब क्या है, जो लिखा है ना आपका EUR EWS SC ST, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ, इसको पढ़ लीजिएगा नहीं समझ में आ रहा है तो। अब जरा हम क्वालिफिकेशन देख लें, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। तो पोस्ट नेम देख पा रहे हो, माइनिंग सरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड सी। यहाँ पे देखो लिखा है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे लिखा है कि आपका जो है मैट्रिकुलेट, समझते हो मतलब कि देखो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मतलब कि आपका 10th पास होना चाहिए, ठीक है, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ये कह रहा है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है पहले तो 10th पास होना चाहिए, 12th पास हो सकते हो। यहाँ पे लिखा है वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेशन इश्यूड बाय डीजीएमएस अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 और एनी स्पेसिफिक अदर सर्टिफिकेट इन माइनिंग विच एंटाइटल द एप्लीकेंट टू वर्क एज माइनिंग सरदार एज पर कोल माइंस रेगुलेशन 2017। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि आपका वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। जब हम माइनिंग सरदार की बात कर रहे हैं तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, माइनिंग सरदार की बात हो रही है अभी। माइनिंग सरदार इन टेक्निकल टीएनएस यानी ग्रेड सी की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रेड सी की बात हो रही है। उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पे चाहिए, वो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट तो चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए आपको। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है और क्या हो सकता है, मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड सी। तो यहाँ पे आपके पास ये हो सकता है, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। यहाँ पे आपको 10th या 12th हो, उसके बाद डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री या फिर डिप्लोमा दोनों ही हो सकता है। माइनिंग इंजीनियरिंग से अगर आपने कोई डिग्री कम्प्लीट करी या फिर डिप्लोमा करा है तो भी आप माने जाओगे, तभी आप जो है यहाँ पे इस पोस्ट को भर सकते हो। आपके पास वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट है तब भी भर सकते हो, ठीक है। या तो आपके पास ये हो कि हाँ भाई आपके पास वैलिड माइनिंग सर्टिफिकेट हो, जिनके पास माइनिंग सरदार वाला सर्टिफिकेट है वो भी भर सकते हैं। यहाँ पे देखो ओवरमैन सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए ओवरमैन का, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरी पोस्ट जो है वो सर्वेयर की है, जैसे कि बताया आपको, सर्वेयर इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड बी की पोस्ट है ये। इसमें देखो क्या है, मैट्रिकुलेट होना चाहिए बिल्कुल, सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ग्रेडेड अंडर सीएमआर 2017। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब जो किसके द्वारा ग्रांट किया गया हो, सीएमआर 2017 के द्वारा, या फिर और कोई सर्टिफिकेट जो माइनिंग में हो और वो ये दर्शाता हो कि हाँ भैया आप जो है वो आप एज ए सर्वेयर आप माइंस में काम कर रहे हो अंडर सीएमआर 2017, उसके द्वारा जो ग्रांट किया गया हो, ऐसा कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगाना होगा। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे नीचे लिखा है कि डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, वही सेम माइनिंग सर्वेइंग के लिए, माइन सर्वेइंग के लिए, ठीक है, और सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये जो चीज़ बता दिया मैंने आपको। स्पेशल नोट क्या लिखा है, क्लोजिंग डेट कब है, क्लोजिंग डेट 22/12 यानी 22 दिसंबर को जो है डेट क्लोज हो जाएगा फॉर्म भरने का। एंड दैट इज रिफर्ड एज क्रूशियल डेट इन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। क्रूशियल डेट मतलब डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इन ऑल रिस्पेक्ट एज प्रिस्क्राइब इन क्लॉज 2। तो ये समझ, ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखो प्रिस्क्राइब एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज द आर द मिनिमम, हेंस कैंडिडेट पोजिंग हायर एंड रेलिवेंट क्वालिटी में ऑल्सो अप्लाई। तो ऐसा नहीं है कि अगर 10th पास वाला या 12th पास वाला ही भर सकते हैं, उससे आगे बोला गया है यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन तब भी आप भर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे क्राइटेरिया मांगा है वो तो होना ही होना जरूरी है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम और इक्विवेलेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड। तो जो डिस्टेंस लर्निंग से कंप्लीट करें उनका वैलिड नहीं माना जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देख लीजिए इसको। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एंड द रिजर्व वैकेंसी आर प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट। वैरी कर सकता है जो भी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, ये कहने का चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो, इन एडिशन टू द बेसिक पे मेंशन अबव, अदर अलाउंस सच एज डीए, अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी एसेट्रा एज पर द प्रोविजन ऑफ वेजेस एग्रीमेंट आर आल्सो एडमिसिबल। रिजर्वेशन की देखेंगे, रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी एंड सेंट्रल लिस्ट ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ईएसएम विल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एंड गाइडलाइंस के द्वारा जो है एप्लीकेबल है, ठीक है, और टाइम टू टाइम जो है इसमें अमेंडमेंट किए जाएंगे तो वो बताया जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना, इसको हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह आप पढ़ लेना क्या क्या इसमें दिया हुआ है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, बाकी कोई इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, कन्फ्यूजन में अगर कोई समझ नहीं आ रहा कोई चीज़ तब, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एज लिमिट देखो क्या दिया, कैंडिडेट्स मस्ट हैव अटेंड द मिनिमम एज ऑफ 18 years एज ऑन द क्रूशियल डेट एंड एज शुड नॉट एक्सीड 30 years ऑन द क्रूशियल डेट। तो यानी कि आपको कम से कम जो है 18 साल का कंप्लीट होना ही चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, और 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये समझो। यहाँ पे देखो मिनिमम एज रिलैक्सेशन लिखा हुआ है, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए नो रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 साल रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 साल दिया गया है, और पीडब्ल्यूडी यानी अनरिजर्व 10 साल दिया गया इनके लिए, पीडब्ल्यूडी ओबीसी वालों के लिए 13 साल और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल दिया गया है, ठीक है। एक्स सर्विस मैन के लिए एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस +2 years दिया गया है, 3 साल दिया गया, 6 years फॉर ओबीसी नॉन क्रीम लेयर, ये देख लेना आप लोग। और यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो होंगे यानी कि जो भी एम्प्लॉय हैं सीआईएल के या फिर कुछ और सब्सिडायरी कंपनी के, तो उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे देखो कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, ऑल मार्कशीट ऑफ मैट्रिकुलेशन, 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इश्यू बाय सेंट्रल स्टेट बोर्ड विल बी वैलिड। यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट को ये नोट करना चाहिए कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो उनका मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जाम सर्टिफिकेट में दिया गया है, और जितने भी मार्कशीट हैं मैट्रिकुलेशन या फिर 10th स्टैंडर्ड के, उसी को जो इशू किया गया सेंट्रल बोर्ड के द्वारा वही वैलिड माना जाएगा, ठीक है, और कोई वैलिड नहीं माना जाएगा। मान लो कोई दिक्कत हो जाता है 11th-12th में गलत लिखा हुआ है, तो माना जाएगा 10th के जो मार्कशीट है आपका उसी को बेस माना जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस देखो यहाँ पे, अनरिजर्व ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज़ है, जीएसटी को लेके 180 है, जीएसटी 180 है, तो टोटल आपका 1080 रुपये हो गया। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है, तो ये देख लो आप लोग। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे आगे आ जाओ, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी, तो ये सब देख लेना, जो भी गलत तरीके से पाए जाएंगे उनको निष्कासित कर दिया जाएगा, ये समझो। सीबीटी बेस्ड एग्जाम है आपका, ठीक, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, पेन पेपर वाला नहीं है, सीबीटी है, तो याद रखिएगा इसको। सिलेक्शन प्रोसेस देखो यहाँ पे, ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपको, ये जाना जरूरी था। अब यहाँ पे देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट, यानी दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग सीबीटी होगा। सीबीटी विल बी ऑफ 100 marks फॉर 90 minutes ड्यूरेशन, तो यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट मिलेगा आपको, है ना। कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में क्या क्या होगा, टेक्निकल नॉलेज होगा, यानी कि डिसिप्लिन जो भी रिलेटेड आपका है, 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू। सेक्शन बी में आपका जनरल नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विथ 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, तो ये याद रखें सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका जो है जो भी डिसिप्लिन होगा उससे रिलेटेड नॉलेज होगा। सेक्शन बी में जो है आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, ठीक है। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 mark एंड देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, बहुत बढ़िया, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बच गए आप। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 9 marks विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, तो कोई भी क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करा है तो उसके लिए कोई भी मार्क्स आपको मिलेगा नहीं या कटेगा नहीं। द क्वेश्चन पेपर शैल बी बायलिंगुअल, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। अगर हिंदी वर्जन में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको इंग्लिश वर्जन को करेक्ट मान लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अटैच, देखो सिलेबस दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर 1 में। टेस्ट सिटीज बोल रहा है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कौन कौन से सिटी में दिया जाएगा। कैंडिडेट्स में ऑप्ट फॉर 3 टेस्ट सिटीज, तो यानी कि 3 सिटी को आप चूज कर सकते हो जब आप प्रेफरेंस भरोगे तब उस समय, ठीक है। एनसीएल रिजर्व द राइट टू एलोकेट एंड टेस्ट सिटी और चेंज द टेस्ट सिटी ओपन बाय द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर दिखा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको 3 सिटी देखने को मिलेगा। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स मेरिट पैनल विल बी सब्जेक्टेड टू सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स in the computer based test for concerned post with respect to the category as mentioned below and fulfilling prescribed eligibility criteria। तो माइनिंग से आधार TNS ग्रेड C के लिए 100 नंबर क्वेश्चन होंगे। कैटेगरी दिया हुआ है यहाँ पे कैंडिडेट्स के, अनरिजर्व EWS के लिए 50 मार्क्स लाना होगा। आपका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स यहाँ बता रहा है उस पोस्ट के लिए, यानी माइनिंग से आधार पोस्ट के लिए अनरिजर्व EWS को कितना लाना, 50 मार्क्स लाना ही है। SC ST ESM OBC के लिए आपको 40 मार्क्स लाना है। सर्वेयर की बात करेंगे यहाँ भी 100 नंबर क्वेश्चन होंगे, अनरिजर्व EWS के लिए 50 मार्क्स, SC ST सेम चीज़ है, 50 मार्क्स इनको भी चाहिए। याद रखिएगा इस चीज़ को, मार्किंग पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक गॉड कि आपका चलिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए। यहाँ पर देखो, रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी पब्लिश ऑन एनसीएल वेबसाइट एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ CBT, ठीक है। तो एनसीएल की वेबसाइट पर आ जाएगा आपका, CBT पब्लिश हो जाएगा जब आप दे लोगे एग्जाम तब। अब उसके बाद क्या हम देखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, इन केस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स इन CBT कंडक्टेड फॉर द पोस्ट। ऐसा होता है कि मान लो ऐसा केस हो जाता है जिसमें एक कैंडिडेट जितना मार्क्स पाया वही सेम कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट्स पा गया, तब हम क्या करेंगे। तो टाई जो है रिजॉल्व हो सकता है बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड्स। तो किस मेथड्स को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, द कैंडिडेट विद हायर स्कोर इन सेक्शन A एज पर इन क्लास 7 to above विल बी प्रिफर्ड। अब यहाँ पे कहता है कि पहले सेक्शन में, यानी कि जो आपका टेक्निकल डिसिप्लिन है उसमें अगर जितने हाई नंबर लाया है उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से समझिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे फाइनल मेरिट पैनल विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो फाइनल मेरिट पैनल जो है वो किस पे बेस्ड होगा, जो भी आप CBT में पाया होगा उस पर। तो वो जब हो जाएगा उसके बाद फिर आपको क्या आएगा, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। Successful candidates in according with their relative merit position and with the due consideration of the reservation post or post to the reserved category candidates and against vacancy, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है कैंडिडेट्स के लिए ये देखेंगे, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ लेना। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर सिंगल पोस्ट अगेन द एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। तो आप सिंगल पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, ये नहीं कि हम दोनों ही भर देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। ऑल कैंडिडेट शुड बी रिकग्नाइज बाय AICTE UGC अप्रोप्रिएट इंडियन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। जाहिर सी बात है जिनका भी जो भी क्वालिफिकेशन है उनका रिकग्नाइज किया जाना चाहिए AICTE या UGC के द्वारा, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ आप पढ़ लेना, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप पढ़ भी सकते हो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इनके द्वारा बताई गई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिया गया लॉगिन कैसे करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है NCL के। ये यहाँ पे देखो क्या क्या लिखना है आपको, www.nclcil.in ये लिखोगे आप। जैसे ये लिखोगे आपको करियर का ऑप्शन दिखेगा, करियर पे क्लिक करने के बाद आप रिक्रूटमेंट पे जाओगे। रिक्रूटमेंट पे जाओगे सबसे पहले आपको यही दिख जाएगा, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस स्टैट्यूटरी पोस्ट। यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद सारा प्रोसेस, फॉर्म भरने के बाद आप अगर इस कैटेगरी को हो तो आपको इतना फीस जमा करना पड़ेगा, अगर आप SC ST ये सबसे हो तो आपको पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी अदर देन SC ST एक्स सर्विसमैन PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹1000 प्लस एप्लीकेबल, यानी कि इतना रुपीज आपको जमा करना होगा, ठीक है। और वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट नीड्स टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपका, स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज और स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर विथ ब्लैक इंक पेन या फिर स्कैन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये सब लगेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो पोस्ट लिखा है, यहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको, स्कैन कॉपी और माइनिंग वैलिड माइनिंग सर्टिफिकेट, OMS सर्टिफिकेट चाहिए, कॉम्पिटेंसी इश्यू बाय DGMS अंडर CMR 2000 ये वाला चाहिए सर्टिफिकेट, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए। माइनिंग से आधार TNS ग्रेड C के लिए, और यहाँ पे पोस्ट ऑफ सर्वेयर माइनिंग TNS ग्रेड B के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे लिखा है स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इश्यू बाय DGMS। और क्या चाहिए आपको, सर्टिफिकेट माइनिंग विद इंटेंट टू वर्क एज सर्वेयर एज पर कोई और अगर सर्टिफिकेट है आपका, ये निर्धारित करता है कि हाँ भाई आप सर्वेयर में काम कर रहे हो CMR के अंडर, तो आप ये भी लगा सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफ माइनिंग से TNS ग्रेड C के लिए बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ सर्वेयर माइनिंग TNS ग्रेड B के लिए क्या बोल रहा है, स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये समझ लिए। आप आगे बढ़ जाते हैं, स्पेशल नोट ये सब पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट डेट याद रखना जरूरी है। स्टार्टिंग डेट जो है कब स्टार्ट हो रहा है, 1 दिसंबर को हो रहा है, ठीक है। 1 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 10 बजे से। क्लोजिंग डेट बोलता है कि आपका 22 दिसंबर है, ठीक है, 22 दिसंबर है, 1 से 22 तक, उससे पहले ही भर दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे बोल रहा है टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड, तो विल बी इंटीमेटेड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ये भी बताया जाएगा, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट नहीं आया, अभी सिर्फ फॉर्म आया है, ठीक है, तो रिजल्ट भी उसी के हिसाब से बताया जाएगा। तो ये समझ लीजिए, आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया, सिलेबस ये है, सिलेबस हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, अभी हम यही समझ लेते हैं, ठीक है। सिलेबस देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ बकायदा छोटा सा सिलेबस है, देख लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर आज के लिए इतना ही, आपको ये जानकारी देना जरूरी था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।